मुर्शिद की बारगाह में अर्ज है कि बिल्ली पालना कैसा है, मेरे और मेरे वालदेन के लिए दुआ मुखरत फरमा दे। बिल्ली पालना तो जायज है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बिल्ली पाली थी एक छोटी सी, तो इसीलिए तो आपका लकब अबू हुरैरा पड़ा, कुनियत ने बिल्ली वाला, और इतना मशहूर है कि इनका असल नाम ही सब भूल गए। बहुत इनके इनके नाम में भी इख्तिलाफ है कि असल नाम क्या है इनका, किसी को मालूम हाजरीन में? अच्छा मालूम है, ये हमारे तलबा किराम को मालूम होता है, वो भी जो मुताले के शौकीन होते हैं माशाल्लाह। इनका नाम जो मशहूर नाम फिर मशहूर मुहद्दिसीन के नजदीक अब्दुल रहमान, मैं भूला तो नहीं हूं ना, अब्दुल रहमान आपका नाम था, अब्दुल रहमान और अबू हुरैरा ये आपकी कुनियत, मशहूर यही अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो अब जो भी बिल्ली पाले या मुर्गी पाले या बकरी पाले, जो भी जायज जिनका है पालना, तो इनमें भी फिर इनको इनके आदाब का ख्याल रखना है। इनको गिजा पाने की तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी रोजाना समझो इसको 70 बार दाना पानी जो भी इसकी गिजा है उसको दी जाए, दिखाई जाए कि जने वो, ये मुबालगा है 70 बार, इसको भूख प्यास क्योंकि मांगेगा नहीं, बेजबान जानवर, इसको कोई ऐसी तकलीफ ना हो, सर्दी गर्मी से भी बचाने का इंतजाम करे। बिल्ली का तो मसला ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना बिल्ली के साथ, अब आजकल बिल्लियां आती हैं वो कोई मखसूस नस्ल की, बहुत शरीफ होती हैं, तो वो ना काटती हैं ना पंजा मारती हैं ना ये अपना जो हिसाब किताब पाकी साफी भी इनकी होती है, मखसूस इनका भी वाशरूम होता है कि वहां जाकर ही तरकीब बनाती है, गिजा भी इसकी मखसूस होती है, यह आम चिचड़े नहीं खाती, होती भी महंगी है, उसका खर्चा भी ज्यादा होता है गिजा का, तो लोग पालते हैं। तो बच्चे जो है ना फिर वो पुछड़ी से दुम से पकड़ लेंगे ना, घुमाएंगे और उठा के फेंक देंगे, ये बच्चों से भी बचाना पड़ेगा, बिल्ली इनके हवाले ना की जाए। मेरा अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि दो भाइयों की शादी अगर दो बहनों से हो तो वो क्या लड़का जो उसका बेनोई है यानी वो दोनों आपस में उन दोनों की महारिम होंगे या गैर महारिम होंगे? जवाब इरशाद फरमा दे, जज़ाकअल्लाह खैर। इन्हें दो बहनें और दो भाई, ठीक है ना, अब आप इनकी अपनी अपनी बीवी हो गई। अब एक जो एक बहन का जो शोहर है एक लड़की का, उसकी बहन जो है उससे तो उसका पर्दा ही रहेगा, और महरम तो सवाल ही नहीं है, महरम की तो कोई सूरत ही नहीं है, वो तो ये पहली फौत हो जाए ना जैसे, तो वो दूसरी सब, और उसकी भी वो भी फारिग हो किसी तरह भी तलाक या मौत वगैरह से शोहर की, और अब कोई दोबारा कोई दोनों की अब इनकी शादी की नौबत आती है, तब जाके वो पर्दे का मसला हल होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।